यो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हेक्टर प्लस के बारे में। हेक्टर और हेक्टर प्लस में एक ही डिफरेंस है कि हेक्टर में आपको 5 सीटर कार मिलेगी और हेक्टर प्लस में आपको 6 और 7 के ऑप्शंस मिलेंगे सीटिंग कैपेसिटी में। हेक्टर प्लस डीजल वेरियंट की प्राइस रेंज 13.34 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है। हेक्टर और हेक्टर प्लस में आपको 1 लाख का डिफरेंस होगा प्राइस रेंज में। ये कार फुल्ली लोडेड फीचर्स के साथ आती है। ये रही शानदार फ्रंट ग्रिल जो काफ़ी प्रीमियम लुक देती है कार को। ये रहा MG का लोगो, काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है ग्रिल की। यह है कार के LED DRLs और टर्न इंडिकेटर लैंप्स। और ये है LED हेडलैंप्स और कॉर्नरिंग LED फॉग लैंप्स। ये है कार के फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और नीचे सिल्वर कलर में आपको स्किड प्लेट देखने मिलेगा। हेक्टर में आपको फ्रंट में मैकपर्सन स्ट्रट विथ स्टेबिलाइजर बार और रियर में सेमी इंडिपेंडेंट हेलिकल स्प्रिंग टॉर्सियन बीम सस्पेंशन देखने मिलेगा। सेफ्टी में आपको इस कार में ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, 6 एयरबैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, साइड इम्पैक्ट बीम्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटो डिमिंग IRVM, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, रियर कैमरा, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, जियो फेंस अलर्ट, हिल असिस्ट, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक अनलॉक और 360 व्यू कैमरा मिलेगा। ये रहे ORVMs पे 360 व्यू कैमरास। ये रहे हेक्टर के 18 इंच अलॉय व्हील्स रेडियल ट्यूबलेस टायर्स के साथ। और ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। और ये है हेक्टर के इलेक्ट्रिक फोल्डिंग पावर एडजस्टेबल ORVMs। ये है हेक्टर प्लस का रियर साइड व्यू। ये कहीं ना कहीं मुझे ऑडी Q3 से सिमिलर लगती है रियर से। ये रहे हेक्टर प्लस के LED टेल लैंप्स जिसमें आपको फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलता है। ये रही इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग, इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये रही क्रोम गार्निशिंग और MG का लोगो। ये रही हेक्टर प्लस की बैजिंग। ये रहा रियर विंडो वाइपर वॉशर के साथ और रियर विंडो में आपको डिफॉगर भी मिलता है। ये है हेक्टर का टॉप व्यू। यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स और ड्यूअल पेन पैनोरामिक सनरूफ देखने मिलेगा। यह है रियर में रिफ्लेक्टर्स, पार्किंग सेंसर्स, क्रोम फिनिश में आपको डमी एग्जॉस्ट वेंट्स मिलेंगे। ये रही स्किड प्लेट, रियर स्किड प्लेट। और यहाँ पे है ओरिजिनल एग्जॉस्ट और स्पेयर व्हील। हेक्टर के डायमेंशंस की बात की जाए तो कार की लेंथ 4.7 मीटर से, विड्थ 1.8 मीटर से, हाइट 1.7 मीटर से। कार की ग्राउंड क्लियरेंस 192 mm है और व्हील बेस 2.75 मीटर है। मिनिमम टर्निंग रेडियस 5.9 मीटर है। इस कार में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। चलिए अब ड्राइवर्स व्यू देखते हैं। अभी यहाँ पे आपको ब्राउन लेदर डोर फिनिशिंग देखने मिलेगा जो कि एक काफ़ी प्रीमियम और सॉफ्ट लुक देता है कार को। यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक करने का बटन और पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पे बॉटल होल्डर मिलता है और पीछे थोड़ी सी स्पेस। कार में आपको इन्फिनिटी के स्पीकर्स देखने मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं। ये रही टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन। और ये है 6-way इलेक्ट्रिक पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट।
यह है हेक्टर प्लस का टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल लेदर स्टेयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम के साथ। यह है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ये रहे ORVM के कंट्रोल्स, हेडलैम्प एडजस्टर और ट्रंक ओपन करने का बटन। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है वॉलेट वगैरह रखने के लिए। यह है बॉनेट खोलने का लीवर और पेट्रोल लीवर। यह है पैडल्स ABC और साइड में आपको डेड पैडल भी मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर लेदर फिनिश मिलेगा आपको। ये रहा डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड पे भी आपको क्रोम फिनिश और लेदर स्टिच मिलेगा। और यहाँ पे है पैसेंजर एयरबैग। ये डोर पे इन्फिनिटी के ट्विटर्स मिलते हैं आपको। टोटल 8 स्पीकर्स मिलते हैं आपको कार में। यह है इंफोटेनमेंट स्क्रीन। यह है ऑटोमेटेड AC और वॉल्यूम के कंट्रोल्स। यहाँ पे है 5 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट, ऑक्स केबल पोर्ट और USB का पोर्ट। यह है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर लीवर। यह है 360 व्यू का बटन, रियर AC का बटन और पार्किंग असिस्ट बटन, 2 कप होल्डर्स और हैंड ब्रेक लीवर। यह है आर्मरेस्ट और आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ी सी स्पेस। इसके अंदर आपको 5 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट मिलता है। यह है को पैसेंजर सीट हेडरेस्ट के साथ। इसमें आपको लंबर सपोर्ट भी मिलता है। और ये रहा ग्लव बॉक्स कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ। यह है ड्राइवर साइड सन वाइजर। इसमें आपको वैनिटी मिरर और लाइट्स मिलते हैं। इसमें आपको कार्ड होल्डर भी मिलता है। यह है गॉगल होल्डर। यह रहा IRVM। यह है केबिन रीडिंग लैंप्स और माइक। यह है पैसेंजर साइड सन वाइजर वैनिटी मिरर और लाइट के साथ। चलिए सेकेंड रो देखते हैं। अभी यहाँ पे भी आपको ब्राउन लेदर फिनिश मिलता है। डोर हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। पावर विंडो कंट्रोल, नीचे 1 लीटर बॉटल होल्डर। इन्फिनिटी के स्पीकर सबवूफर और एम्पलीफायर के साथ। सेकेंड रो में आपको मैन्युअली एडजस्टेबल कैप्टन सीट्स मिलेंगे आर्मरेस्ट्स के साथ और हेडरेस्ट के साथ। सेकेंड रो सीट्स भी फर्स्ट रो सीट जितनी कंफर्टेबल आती है लंबर सपोर्ट के साथ। काफ़ी अच्छी लेगरूम मिलती है सेकेंड रो में। और सीट्स के पीछे मैगजीन होल्डर भी मिलेगा। यह है रियर AC वेंट्स मैनुअल एडजस्टर के साथ। और नीचे 5 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट और थोड़ी सी स्पेस। और पीछे से कुछ ऐसे दिखता है हेक्टर प्लस का डैशबोर्ड। साइड बीम पे और एक एयरबैग आती है। टोटल 6 एयरबैग्स मिलेंगे आपको कार में। ये रहा रियर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ। यह है सेकेंड रो रीडिंग लैंप। चलिए बूट खोल के देखते हैं। अभी इस कार में आपको 530 लीटर्स बूट स्पेस मिलती है थर्ड रो फोल्ड करने के बाद। यह है थर्ड रो के कप होल्डर्स, फैन कंट्रोल, AC और सीट बेल्ट। यहाँ पे भी आपको कप होल्डर्स मिलते हैं और 5 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, AC और सीट बेल्ट। थर्ड रो सेट करने के बाद आपको 155 लीटर्स की बूट स्पेस मिलेगी। काफ़ी स्पेशियस थर्ड रो है 50-50 स्प्लिट सीट के साथ। थर्ड रो में भी आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। चलिए बॉनेट खोल के देखते हैं। अभी टर्बो डीजल इंजन।
ये रहा हेक्टर प्लस का 4 सिलेंडर 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन BS6 एमिशन नॉर्म कंप्लायंस के साथ। इस इंजन की मैक्स पावर 167 bhp एट 3500 rpm है, जो कि 350 न्यूटन मीटर एट 2500 rpm का मैक्स टॉर्क जनरेट करता है। कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर है और 16.65 kmpl का ARAI माइलेज क्लेम किया है MG ने। यह रहा हेक्टर प्लस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको डिजिटल टैकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, डिजिटल ओडोमीटर देखने मिलेगा। कार की टॉप स्पीड 195 किलोमीटर पर आवर है। इस पे आपको ABS चेक, ट्रैक्शन चेक, सीट बेल्ट वार्निंग, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस टू MT, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यह है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कंट्रोलिंग बटन्स और यह है क्रूज कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। और ऐसे एडजस्ट किया जाता है स्टीयरिंग को, टेलीस्कोपिक और टिल्ट एडजस्टमेंट। और यह है इंटरनेट इनसाइड बैजिंग का रीज़न, जो कि इस कार के फीचर्स है। टोटल आपको 55 फीचर्स मिलेंगे इस कार में। यह है 17.8 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन डिस्प्ले, जिसमें आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, नेविगेशन इनपुट, कलर डिजिटल मल्टी इन्फो डिस्प्ले, रेडियो, रिमोट कंट्रोल ऑडियो सिस्टम, चिट चैट फीचर, ऑनलाइन वॉइस रिकग्निशन सिस्टम विथ ओवर 100 वॉइस कमांड्स, ऑनलाइन नेविगेशन सिस्टम विथ रियल लाइफ लाइव ट्रैफिक, इनबिल्ट गाना ऐप विथ प्रीमियम अकाउंट, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, व्हीकल स्पीड, ड्राइव टाइम विथ फटीक रिमाइंडर सेटिंग, लाइव 360 कैमरा व्यू, वॉइस सर्च, वेदर इन्फॉर्मेशन एंड फोरकास्ट बाय AccuWeather, प्रीलोडेड एंटरटेनमेंट कंटेंट बाय MG, इंजन स्टार्ट अलार्म, स्मार्ट ड्राइव इन्फॉर्मेशन, लो बैटरी वॉइस अलर्ट, एट इग्निशन ऑन, ई कॉल, आई कॉल्स, ओवर द एयर अपडेट एनहेंसमेंट्स, इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यह है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और यह है हैजार्ड लाइट का बटन। यह है वाइपर के कंट्रोल्स, यह है इंडिकेटर और हेडलैम्प के कंट्रोल्स लेन चेंज इंडिकेटर के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लास्ट में मैंने एक वॉइस कमांड का डेमो दिखाया है, वो ज़रूर देख के जाना। थैंक यू। Close the sunroof.